हेलो गाइस, आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो केमिस्ट्री में बोले जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एलिमेंट। इतना डिस्क्रिप्टिव में बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। तो एलिमेंट क्या होता है? बेसिकली एलिमेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तत्व। तो तत्व या एलिमेंट क्या होता है? तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, यानी जितने भी एटम्स आते हैं उन एक जैसे एटम जितने भी होते हैं हम उनको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे सपोज करिए एक जगह पे डॉट 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 ढेर सारे रखे हों, अब हम इन्हें क्या बोलेंगे? हम इन्हें बोलेंगे ब्लू डॉट। क्या बोलेंगे? ब्लू डॉट। सबको हमने एक टर्म नाम दे दिया। ऐसे मान लीजिए ऑक्सीजन, बहुत सारे ऑक्सीजन मौजूद हों, हम उन सभी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। तो वह एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीजन। और उसके अंदर बहुत सारे हमारे क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन के एटम। तो एलिमेंट क्या होता है? हमने पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे, कितने पीरियोडिक टेबल आपने देखी, कितने एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है? 118। यानी उसके अंदर 118 एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम, सेम एटम हों जिसके अंदर, ठीक है, वो क्या होता है हमारा? एलिमेंट। तो जब भी पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे वहाँ पे हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करेंगे? एलिमेंट। तो हम लोग एटम्स जान लेते हैं क्या होते हैं। तो एटम्स बेसिकली क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होता है हमारा? एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। सेम एटम होंगे इसके अंदर। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए अगर हमारा एलिमेंट ऑक्सीजन है तो उसके अंदर जो भी मौजूद होंगे एटम्स वो किसके होंगे? हमारे ऑक्सीजन के एटम मौजूद होंगे। ये सब क्या होंगे? हमारे ऑक्सीजन। तो एटम क्या होता है? एलिमेंट का ही पार्ट होता है। तो जब ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो इनकी इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? एक जैसी होंगी। यानी इसका अगर एटॉमिक नंबर कितना हमारा? 8 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी हमारा कितना रहेगा? 8 रहेगा। अगर इसका एटॉमिक मास हमारा 16 है तो इसका भी एटॉमिक मास कितना रहेगा? 16 रहेगा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो जब एटम आपस में मिल जाते हैं तब हमारा क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिल गए तो क्या बन गया? O2। जैसे मान लीजिए 2N और 3H मिल गए तो क्या बन गया हमारा? NH3। तो NH3 क्या है हमारा? मॉलिक्यूल। और ये कब बनता है मॉलिक्यूल हमारा? जब एटम आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है हमारा? मॉलिक्यूल बनता है। अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड की। तो जब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तब हमारा क्या बनता है? कंपाउंड। जैसे कई सारे अगर मान लीजिए अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं तो क्या बन जाएगी हमारा? एक कंपाउंड बनेगा जो कि क्या होगी? अमोनिया गैस। क्योंकि अमोनिया गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। या अगर हम लोग देखें जैसे NaCl क्या होता है हमारा? मॉलिक्यूल एक है। अब बहुत सारे जब NaCl आपस में मिल जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक कंपाउंड मिल जाएगा, यानी सॉल्ट मिल जाएगा हमें। और साल्ट के अंदर बहुत सारे हमें क्या होंगे? NaCl के मॉलिक्यूल। तो साल्ट क्या हो जाएगा हमारा? कंपाउंड हो जाएगा एक। स्पीसी जो होती है वो हम लोग मॉलिक्यूल, एटम या कंपाउंड जिसके बारे में हम लोग बात करें पर्टिकुलर जिस चीज़ के बारे में उसको हम लोग स्पीसी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए और बी आपस में मिले तो हम लोग ए को भी स्पीसी बोल सकते हैं, बी को भी स्पीसी बोल सकते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसी बोलते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक की। तो कोई भी रिएक्शन जब आप देखते हैं तो उस रिएक्शन में जो स्टार्टिंग में जो हमने लिया होता है वो हमारा क्या होता है? अभिकारक होता है या रिएक्टेंट होता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे मान लीजिए N2 और 3H2 आपस में मिले और इन्होंने क्या बनाया? 2NH3। तो जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट। अब बात करेंगे प्रोडक्ट या उत्पाद क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। तो जब रिएक्टेंट आपस में मिलता है तो जो हमें लास्ट में मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में जो लास्ट में हमें मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें S+O2 ने आपस में मिलकर SO2 बनाया तो ये हमारे क्या हो गए? स्टार्टिंग में जो हमने लिया ये रिएक्टेंट हो गए, यानी अभिकारक हो गए।
और जो लास्ट में हमें मिले है ये SO2, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा या उत्पाद हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी टर्म समझ में आए हो, और अगर समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।